साइलेंस मत। मेकअप होंगे ना साइलेंस यार। रोल रोलिंग एंड अभी सुरेश भैया और प्रज्ञा भाभी की शादी होने वाली है तो ओके अभी बोलूँ अभी सुरेश भैया और प्रज्ञा भाभी की शादी होने वाली है तो उसी के लिए मैं और मेरी मम्मी माधवी जी हम लोग पंडित जी के पास गए थे कुंडली दिखाने। सो अब आगे वो क्या बोलते हैं पंडित जी, क्या मुहूर्त निकलता है, वो सब इस सीन में है। आपका क्या किरदार है इसमें? मैं सुरेश भैया की सिस्टर का कैरेक्टर कर रही हूँ, रचना। तो अभी शादी की बात चल रही थी तो शादी में कुछ दिक्कत है कि अगर ऐसी शादी होगी तो कुछ प्रॉब्लम्स आए ऐसा कुछ बता रहे थे क्या? वो अब पता चलेगा पंडित जी ने क्या बोला है, क्या मुहूर्त निकाला है, वही सीन में हो रहा था तो आपको देख के ही पता चलेगा। तो इसमें रचना का क्या कहता है, रचना इसमें क्या कर रही है, आपका क्या कहता है? मैं इसमें सुरेश भैया की बहन बनी हूँ। मैं यहाँ पर हम लोग एक गांव में रहते हैं तो मैं कुछ दिनों के लिए यहाँ पर आई हूँ अपनी मम्मी के साथ और अभी मेरी लाइफ में काफ़ी प्रॉब्लम्स आ चुकी हैं तो अभी वो प्रॉब्लम्स सॉर्ट आउट हो चुकी है। अभी थोड़ी चीज़ें नॉर्मल हुई है, पूरी तरह से नहीं, बट अभी फिर हम सुरेश भैया और प्रज्ञा भाभी की शादी पे तैयारियां कर रहे हैं तो इसीलिए हम लोग पंडित जी के पास गए थे कुंडली वगैरह दिखाने, तो अब वो पता चलेगा कि वो क्या कहते हैं। लेकिन जैसे कि अंधविश्वासी बातें होती है कई बार कि कुंडली मिलाते हैं ये गुण मैच नहीं मैच कर रहा है, आगे एक तकलीफ होगी, इस पे आप कितना विश्वास करते हैं, रचना कितना विश्वास करती है सारी चीज़ों? मैं बिल्कुल विश्वास नहीं करती कि कितना क्या गुण मैच हो रहा है। अगर आप किसी को प्यार करते हो, आप किसी के साथ खुश हो, तो मुझे नहीं लगता कुंडली और ये सब इसमें हमें ध्यान देना चाहिए। आप किसी से प्यार करते हो, आप किसी के साथ खुश हो, तो और कुछ मैटर नहीं करता है। कुमकुम भाग्य में और आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा, बहुत सारी मस्ती, बहुत सारा थोड़ा क्या कहते हैं प्रॉब्लम्स हर एक की लाइफ में और अभी
सॉरी ओके सो अभी आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा, बहुत मस्ती। आगे प्रज्ञा भाभी और सुरेश भैया की शादी होती है या नहीं वो भी आपको देख के ही पता चलेगा। और जी टीवी पे 9 बजे कुमकुम भाग्य प्लीज देखिए। थैंक यू सो मच। बहुत इम्पोर्टेंट सीन था हमारे शो का। एक मिनट, ये कब शो करेंगे? ये जो अभी हम सीक्वेंस शूट कर रहे थे ये पूरा फैमिली का कॉम्बिनेशन था। जैसा कि आप जानते हैं मेरे और सुरेश की शादी तय हो गई है, लेकिन उस शादी में एक और ट्विस्ट है, एक प्रॉब्लम है। तो वो प्रॉब्लम कैसे आती है और हम उसे कैसे सॉल्व करते हैं वो सीक्वेंस हम शूट कर रहे थे। हाँ, कुंडली अक्सर शादी से पहले जो ब्राइड और ब्राइड ग्रूम होते हैं उनकी कुंडली मिलाई जाती है। तो वही सीन है कि हमारी कुंडली में कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन ये डिसाइड किया गया कि इवेंचुअली हम पंडित जी से बात करके उसका कोई हल निकालेंगे और शादी होगी जरूर। मुझे रीति रिवाज तब तक अच्छे लगते हैं जब उसमें बहुत सारी मस्ती हो और सब रिश्तेदार मिले, वहाँ तक मुझे बहुत पसंद है। जब वो रूढ़ीवादी हो जाते तो मुझे नहीं पसंद आते, क्योंकि मुझे लगता है कि जो भी चीज़ हम करते हैं उसे हमें खुशी मिलनी चाहिए। भगवान यही चाहता है कि हम खुश रहें, और अगर किसी भी चीज़ से लोगों को प्रॉब्लम होती है वो मुझे नहीं अच्छी। हम उसको बहुत प्रैक्टिकली देख रहे हैं कि हमें पता है कि हम एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह समझते हैं, तो अगर कुंडली की वजह से कोई प्रॉब्लम आती भी है तो हम उसे सॉर्ट आउट कर लेंगे, क्योंकि हम दोनों बहुत समझदार हैं, आपस में हमारी बहुत अंडरस्टैंडिंग है। तो हमें ये कॉन्फिडेंस है कि हम कोई भी प्रॉब्लम आएगा तो साथ में सामना करेंगे तो सॉल्व हो जाएगा। फैमिली तो मान जाती, फैमिली हमारी बातें मान जाती, मतलब इसी सीन में मान जाती।